बैठे बैठे पंगा ले लिया कसम से बैठे बैठे, है टांग में डांग घुस गई। ये ईश्वर अल्लाह जो भी कराए पर अस्पताल के और थाने के चक्कर ना लगवाए कभी भी। भाई जरा हट जाइए, जरा रुक गए। ये जो अभी अभी फोन आया था ना, ये पासपोर्ट का चक्कर नहीं है। पासपोर्ट तो जस्ट बहाना था, ये तो बस ऐसी आफत आई है कि पूरी दिल्ली हिल जाएगी आज। क्या बताऊं मैं, किसी ने सही फरमाया, अपनी जिंदगी में अगर कामसूत्र में बंधना हो तो मंगलसूत्र में बन जाओ। अपनी जो पर्सनल लुगाई होती है ना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी जीवन में एबिलिटी लेकर आती है कि आदमी की मेंटेलिटी बदल जाती है। पर सुनता कौन है, ना आपने सुनी ना मैंने सुनी, ना सुनी दिल्ली ने, पर मेरे दोस्तों की तो सुन लो बजरंग बली जी, बहुत रिक्वेस्ट है। क्योंकि जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, मेरे इन चारों दोस्तों का कोई कसूर नहीं है, कोई भी। पर कसूर है किसका, है वक्त का, और किसका, और किसी का कसूर हो ही नहीं सकता। बाकी एक बात मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे चारों के चारों प्यारे सच्चे दोस्त 100% है वर्जिन। वर्जिन, वर्जिन, यस यस सर, वही तो सर। सर हम वर्जिन से, सर मतलब आई विल एक्सप्लेन सर। सर एक 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 मतलब एक एक यूथ होता है और यूथ भी इंसान होता है, और यूथ भी इंसान ही होता है, और इंसान का एक दिल होता है सर, और वो दिल में कभी कभी कुछ कुछ होता है सर, और वो दिल में कभी कभी कुछ कुछ होता है तो मतलब कुछ कुछ करने का मन तो करता है ना सर, बस वो कुछ कुछ करने के चक्कर में सर, मतलब कुछ किया नहीं सर, कुछ नहीं किया सर, देखिए ना कुछ किया भी नहीं और सब कुछ बिगड़ गया सर। हालांकि सर देखा जाए तो कुछ करना इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है ना सर, ज़रूरत है ना सर, ज़रूरत आप तो जानते हैं सर, आप ही कुछ करिए ना, सब कुछ आपके हाथ में ही है। कुछ न डाल कुछड़ में, खड़ा हो जाओ पुतलियों के, बनाऊं तुम लोगों का कुछ साले। अब अपना सब कुछ खोल के मारी बात ध्यान से सुन लो, बात करूं मैं शॉर्टकट, नो इफ नो बट, मन कैसे आर यू शर्मा। What? Me? Are you Sharma? No, no, sir. I am not Sharma. I am Atal Bihari Bakshi. By the way, sir, according to Indian Penal Code Law for Section 373 of Immoral Trafficking Rules, वो amendments आप वाकिफ हैं कि नहीं? No, भाई, मैं तो इससे वाकिफ को नहीं। पर तू इस Penal Code से वाकिफ है कि नहीं? इसने इंग्लिश में स्टिक कहवे हैं, हरियाणा में लठ कहे हैं, और पुलिस इसे डंडा कहवे है। बूतनी वालों निकल जाएगा थारा अंडा। सर जी से तो कसाब भी ठीक हो जाए सर, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं सर, आपके अपने बच्चे हैं सर। हाँ हाँ, आप बैठिए ना सर, आप प्लीज आप बैठिए ना आप। भाई साहब चलाओ ना सर के लिए, आप चाय पीएंगे सर, आप चाय बिस्कुट बिस्कुट भी ले आओ ना, और हमारे लिए भी ले आओ ना, पाँच चाय अदरक वाले। पेप्सी दे दो। पुलिस की बारात में आया के? सॉरी सर। खड़ा के है, प्ला चायला मठीला सर, बिस्कुट बिस्कुट मिला, बिस्कुट जी जा रहा हूं। अरे भाई हम दिल्ली पुलिस हैं, हमेशा आपकी सेवा में। यार सारी पब्लिक ही सेटिस्फाइड नहीं होती, कंप्लेन ही करती रहे वह। अरे भाई दिल्ली पुलिस के पास तो दिल भी है और डंडा भी है, अब के चलेगा, या तो सारी सिचुएशन पर डिपेंड करे। देखो वर्जिन पार्टी, थारा FIR तो बनेगा ही बनेगा, थारा और थारी फैमिली का मुंह तो ब्लैक होगा ही होगा पक्का। ओए अरे कान में मुतेगा के, चुप। ओए अरे ओ बाल चुप चुप, अरे चुप हो जा, अरे टॉफी दूं के, अरे बिस्कुट खावेगा के। साले चिल्लर पार्टी है कि वर्जिन पार्टी है? इतना जोर जोर से रोएगा तो अंजर पंजर बाहर आ जाएंगे। चुप, सॉरी की औलाद, चलो बैठो। थारा हीरो में, अब मन ने तुम पूरी स्टोरी बताओगे कि हुआ के है, बगैर गंगा जमुना बहाए और बगैर किसी ड्रामे के, समझ गया तू? चल बोल बोल, शुरू हो जा। वो सर जी फोन आया था अमेरिका से। किसका?
अंजलि जोली का जी, नयनदीप कौर की मम्मी का। या कौन है सुसरी? सर जी नयनदीप कौर बड़ी सोनी कुड़ी है जी। अरे पंजाब ने तो घनी सोनी हो गए। बचपन में ना हम घर घर खेला करते थे, मेरी बीवी बनती थी और मैं उसका हस्बैंड। बड़ा मजा आता था। फिर उसकी मम्मी का फोन आया कि हम कल आ रहे हैं, परसों रोका करेंगे, तरसों शादी। ये सुनते ही मेरी आंटी शांटी बिल्कुल फ्लैट हो गई। और सर पता नहीं क्यों जब भी मेरी आंटी शांटी फ्लैट हो जाती है ना, मैं सीधा अल्फोंसो को बुलाता हूँ। बड़ी दीदी ने कहा है पानी फेंकने को और छोटी दीदी ने कहा है पॉनविटा पिलाने को। ओके ओके पी लूंगा। बड़ी दीदी ने पूछा है कि तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के पेपर्स कैसे हुए। रेखा अगर तू अपनी ये सैड से ग्लासेस उतार देना तो तेरी ज्योग्राफी, और अगर तू स्विम करना सीख लेना तो हमारी केमिस्ट्री, और अगर तू मेरे साथ घूमना शुरू कर देना तो हमारी फिजिक्स, और अगर हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी हो गई तो हमारी बायोलॉजी भी अच्छी हो जाएगी। व्हाट्स इट अल्फोंसो आगे हिटलर कम 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 Nails, teeth, आज का schedule क्या है? पहले electricity bill भरूंगा, फिर college, फिर लौटते वक्त ट्यूशन, फिर स्कूटी को सर्विसिंग के लिए दूंगा, हाँ लौटते वक्त सब्जियां भी उठा लूंगा, और हाँ चर्च भी होते हुए आऊंगा, और फिर आप दोनों के हस्बैंड्स को कॉल करके उनका हाल पूछूंगा, और हाँ बिफोर 8 घर वापस। Good. Always remain like this. अब मैं जाऊं? जाओ। Thank you. Dad, एक request है। मुझे अपनी बहनों से please बचा दो। अपने एक लौते बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते आप, हाँ? इतने happy बंदे को happy नहीं देख सकते? देखो अगर आप Saturday को free हो ना, तो एक बार उनके dream में आकर ना एक। अच्छा sorry. चलो प्यार से समझा दो कि मुझे अपनी मर्जी से जीने दे। और पता है डैड, एक सेकंड, हाँ उल्कल दूसरी लाइन पर हूँ, सॉरी डैड अगले हफ्ते मिलता हूँ। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। अरे आप चाय सिगरेट की बात करते हो, पेप्सी तक तो बेचारा पीता नहीं है, बिना कड़े के देखा है कभी उसे? सर पे पहनता है पटका, ते मीट खाता है झटका। सारे गुण दिते ने वाहेगुरु ने। आंवला खाया, रीठा लगाया, 5 तुरी लहसुन की रोज खाता हूं, हर टाइप की क्रीमें लगा ली, हर टाइप के प्रोटीन खा लिए, फिर भी इकबाल नहीं आया। इतनी मेहनत किसी बंजर जमीन पर की होती तो बाय गॉड अभी तक फसल उग जाती। भाई गुरु जी दी 100 चपेट मारूंगा सालों छिपकली के अंडों, भाग यहां से अपने लिए। यार जा तू साले, अरे तो मैं ऐसी कटाई करूंगा कि पूरा इंडिया देखे। रब पकड़िए इन्हें, रब पकड़ साले ने, रब भूतनी के। प्लीज सर, साले एक मारूंगा रैपिड और हैं गोबर कर देगा। तन्ने क्या दिल्ली पुलिस को बावड़ा समझ रखा है कि 4 दिन में तेरी इतनी बड़ी खेती उगाई? नहीं सर जी, नहीं नहीं, ये देखो सर जी, ये देखो गोंद वाली है, गोंद वाली सब नकली है, सब नकली है, सब नकली है। अरे महावीर
अरे तू तो 2-3 घंटे से इनके साथ में डोल रहा है और तन्ने नहीं पछाना, तेरी आंख है के बंटा है। अरे मन लगा अपने तो पहचान लिया होगा। अरे मैं तो हाई जॉब में बिजी था। एक्चुअली नॉट हिज फॉल्ट। जब 26/11 को नेशनल सिक्योरिटी फेल हो गई तो लोकल सिक्योरिटी क्या है। अठे आ जा, एक काम कर, तू ना सिक्योरिटी में भर्ती हो जा, तेरी सारी इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी। हट साले, मारूंगा एक रैप्टा, घना ज्ञानी कहीं का शाला। अरे ओ नकली, चल। सर असली हूँ, सिर्फ ताड़ी नकली है। बाकी की स्टोरी बता, उसके बाद के हुआ, चल। सर देखो, अब खाने की नहीं पर ले ना छोले। छोटा सा था, कितना बड़ा हो गया तू। हाँ जी, टाइम के साथ सब कुछ बड़ा। नाटी बॉय। बाय। ओ यार प्लीज बता ना कैसी है। टूटा यार टूटा। दिल कर रहा है ना अपना दिल लेके उसके दिल में ना घुस जा। ये मेरी मासी की बेस्ट फ्रेंड है। सॉरी यार अल्फांसो, यहाँ मैं अपनी होने वाली बीवी की बात कर रहा हूँ और तू अपनी आंखें सेक रहा है, शर्म नहीं आती तुझे एक पैसे की। हाँ यार वैसे भी मैंने देखी नहीं अभी तक। ले, तूने भी नहीं देखी। हाँ। मैंने भी नहीं देखी। हाँ। पता नहीं है मम्मी क्या करवाएंगी यार। मम्मी और तुझे यहाँ से। मम्मी की मैं बताता हूँ, देखिए आंटी नया समान, आजकल लड़के को लड़की से हाँ। और लड़की को लड़के से शादी से पहले मिलाना चाहिए हाँ। है ना, सारा मामला क्लियर हो जाता है। ओए, इससे ऊपर भी कुछ क्लीन क्लियर होता है क्या? पर मम्मी जो लॉजिकली गलत है वो गलत है ना। ओए चुप है, मैंने शादी से पहले तेरे बाप को देखा था, जो तो कुड़ी देखने की जिद कर रही है। चुप करके वही कर जो मैं कह रही हूँ, नहीं तो। ओए करण, ओए 36 बार तेनू बोलिया है कैटरिंग हल्दीराम से करानी है, कहाँ है यूपी। वाह मेरे शेर, तूने किया है असली भैंस का दूध, तू बनेगा शेर मेरी जान घोड़ा। छोड़ दिया। क्या हुआ बे? पर 20 में इतना मिलेगा भाई। क्यों? आगे के 50 और लगेंगे। फिर बच्चों वाली बात कर रहा, चल चल मार दे धक्का मार दे, चल चल। बनी को सुनो भाई, कह दिया बस। तू बनिया राजपूत? हाँ तो क्या बनिया राजपूत हूँ ना, अभिषेक सिंह गोयल। तेरी माँ। ओ सुनो, इस बनिया राजपूत को दे दो 50 रुपए हैं, किसी को मरना होगा ना वो कहेगा अभिषेक भैया मरना धक्का दे दो, उससे भी पैसे ले लेना। हाँ तो ले लूंगा। ये ले 50 रुपए, मार धक्का। आना तो मेरे से पैसे लेने। 40 है, नेक्स्ट फ्लाइट में छोड़ो। हेलो भाई, बस अभी पहुंच गई, 2 मिनट 19 मिनट में जल्दी मार धक्का। मिट्टी का मत दे रे, आना तो मेरे पास। लड़का दिखता कैसा है? जी वो लड़का बहुत क्या कहते हैं जी, बहुत हैप्पी है जी, क्यूट है। ओके ओके ओ जी, सब पूछ रहे हैं लड़का कैसा है। एक तो बारी शादी तो पहला देखता ले दे, ऐसे रहने दे की जल्दी सी। ओहो मैंने कौन सा तुझे पहले शादी से पहले देखा था? तुम्हारे और मेरे जमाने में बहुत फर्क हैगा। तो अबे काम करो, जल्दी से शादी करवा दो वरना किसी लफंगे के साथ फिर भाग जाएगी। उनका यही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ यहाँ पे ना पुचाल आने वाला है हमेशा की तरह। है? हाँ। क्यों? वो करेंगे ना पंगा पड़ने वाला है। ओ तेरी। गुलाब जामुन पैक कर दूँ वापस। अरे जो करना कर ले। तेरी रब ने इतनी सुंदर शक्ल दी है, तू बात भी अच्छी कर सकती। हाय सबकी जवा सच्ची। बात तो सच है, दी तो मोती वाली शक्ल है तुझको। मोती ताड़ते रहना, मोती आ जाएगा एक दिन। गुलाब जामुन पैक कर दूँ वापस। अबे जो करना कर ले यार, क्या होगा करण का अब। चलो तो बुझाए मम्मी, मैं नहीं जा रहा, पहले आप जाओ उनसे बात करके आओ, उनको ये साफ बताओ कि मेरे में हार्मोन्स की कमी है। मम्मी प्लीज बार बार बेइज्जती मत कराओ यार। अरे बेइज्जती तो तू शादी करा रहे हैं। चलो उठ चल। मम्मी प्लीज, मम्मी 2 बार बेइज्जती हो चुकी है, बार बार मुझे नहीं जाना है। मम्मी प्लीज मत करो, प्लीज बोल रहा हूँ। हेलो भाई, 21,000 रिश्तेदारों के लिए। थैंक यू जी। ये है 11 अंगूठियाँ, 1-1 तोले की। धन्यवाद जी। ये है आपके सूट का कपड़ा, 3-पीस रेमंड। सही पार्टी है। वाह वाह होगी करण की है। लो जी अब दिखलाओ लड़के की शक्ल और लो डायमंड की रिंग।
अबे पति मोटे भाई देखते हम रिश्तेदार नहीं हैं क्या? अबे मुंह बोले हैं ना रिश्तेदार नहीं है इसीलिए तो मुंह नहीं लगाया। क्या जी? हाँ जी मुंह मीठा करोगे जी? गुलाब जामुन। थैंक यू जी। चलो भाई अब अंगूठी पहनाओ जी। ले करण पुत्र अंगूठी पहन ले। अब मरेगा बेटा। शकल तो दिखाओ या उंगली देख के ही शादी कर लूं। कोई गुड्डा सुधा? So clean and clear ना? Huge! ये कैसा धोखा है? क्या धोखा है? देखते नहीं इसमें हार्मोनियम की कमी है? हार्मोनियम नहीं हार्मोन्स अनपढ़। हाँ हाँ वही वही सुना नहीं? जिनकी नहीं मुझ उनसे होता नहीं कुछ। ओहो इससे तो बच्चा ही नहीं होगा। लोग मेरी बेटी को बांझ बोलेंगे। इसने तो चेकिंग करवाना जाना ही नहीं। बट पापा ही सो क्यूट ना। ये नामर्द है। वैसे नामर्द होना अच्छी बात है। ए कौन? ए पकाओ। आ क्या जनरल नॉलेज। देखिए धारा 116 के अनुसार इंडियन मैरिज एक्ट में यदि लड़का इम्पोर्टेंट हो आई मीन नामर्द हो तो डाइवोर्स बड़ी आसानी से हो जाता है। ओए तू है कौन? अटल बिहारी बख्शी सन ऑफ मुकुंद बिहारी बख्शी। ओए हमें बख्शो बख्शी साहब हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं। ओके 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 वैसे एक सॉल्यूशन और है। क्या? लड़के को और लड़की को साथ में एक कमरे में भेज दीजिए। एक महीने के बाद अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो सब ठीक है, नहीं होती है तो सब कैंसिल। एक ही बकवास कर रहे हैं। एक ही बकवास कर रहा है तू? जो बोले से हम हो। बाल सिर पे दे दिए, थोड़े इधर दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? ओ आ जाएंगे टेंशन ना ले, परे हो साइड हो जा, टेंशन नहीं लेते। सुन ये मिर्ची की दही है इसमें ना प्रोटीन होते हैं, क्यों भाई? सही बात है क्यों भाई? ओ तुम तो हंसो ले है भुखा ना होता। कब आएंगे मिर्ची? 22 साल का हो गया हूं। कन्नू 22 साल और लग जाए जो भी आए वो तुझे तेरी कमियों के साथ पसंद करे, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अबे क्या तू भी यार लुगाइयों की तरह रो रहा है, है? है? लुगाइयों की तरह नहीं यूपी भाई, लुगाइयों के लिए रो रहा हूँ। अबे ये नहीं तो और कोई मिल जाएगी यार, क्यों घबरा रहा है? हाँ तुम तो ना यही मशवरा देना, खसमन खाना रोमांटिक जा दे पकड़ा मेरा दही, मैं दही सोचा ना मुंह से अच्छी थी क्या? अबे यार तू लगता है बंधु इसके लिए अब कुछ अलग टाइप की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अरे यार अलग टाइप की तो ठीक है पर कैसी? अबे देख भाई लड़की कैसी भी हो यार अपना पतला सतन और मोटा सा धन लेके आए बस। क्यों यूपी भाई? तेरे को वो नया याद है वो मेरी पहली सेटिंग भाई? स्लैम बुक 27 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड और पूरे 530 रुपए का टेडी बेयर दिया था उसे, फट से ले लिया हंसते हंसते मैडम ने। मैंने कहा हो गई यार सेटिंग, बोलिए सरप्राइज सरप्राइज आंखें बंद करो। यकीन नहीं मानेगा यार 2 रुपए की राखी बांधी मेरे हाथ पे और चौपसी कर दी यार। मैंने भी भाई टेडी बियर दिया घुमा के, मैंने तो है ना भाई कसम खा ली थी उस दिन, अब इन लौंडियों के चक्कर में ना पड़ना ही नहीं है। साला पॉकेट में रॉकेट चला के ना पूरा पैसों का सॉकेट उड़ा देती है। ये भी मैं सोचा था कि रात रात भर जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा प्रपोज करूंगा और चैन से जाकर दिल में सो जाऊंगा। रोमियो जूलियट लैला मजनू
हे रांझा, लव के सारे चैप्टर पढ़ाए हमने, पर वो उन्हें आगे कहीं और समझाने चली गई। थ्योरी हमारी, प्रैक्टिकल किसी और से। पर मैडम को मिल गया डूड, हमारा हो गया खराब मूड। मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर चला जाऊं। अरे मैंने तो नोटबुक्स तक दे दी थी अपनी, सारा होमवर्क खुद करता था और नाम लिख देता था प्रीति चावला का। दो दो कॉपीज खरीदता था, दो दो बार होमवर्क करता था, पहले उसका फिर अपना। होमवर्क हम करते रह गए, होम मेकर किसी और को बना लिया, बाय बाय कर दिया। और ऐसा बाय बाय करके गई कि मैं आज तक लड़कियों के लिए तरस रहा हूं, तरस। हिटलर साला मर गया, अपनी आत्मा मेरी बहनों में छोड़ गया। इतनी मुश्किल से सेटिंग होती थी, वो पप्पी पे ही दी एंड। फिर बहनें बजाती थी मेरा बैंड। यहाँ तो बाय गॉड सगी बहनें ही दुश्मन है मेरी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस यार। नो गर्ल्स नो लाइफ, लड़की के बिना तो मर जाना ही अच्छा है यार। बाय गॉड यार। No girls, no life. कहाँ? अरे यार ऊपर वाले एक बार कैसे भी शादी करवा दे यार। अबे नहीं भाई नहीं, शादी के चक्करों में मत पड़ना। शुरू शुरू में ना ऐसे लगता है जैसे दिल में बह रही है ठंडी नहर, और बाद में ऐसे लगता है जैसे गटर का पानी घर के बाहर गया और ठहर। नूर था मेरी शक्ल पे, नूर लस्सन लग गए मेरे। बस मिस्टी कल से ना डाइटिंग शुरू, पक्की बात है। क्या कर रहे हो हैं? यह माधुरी दीक्षित की फिल्म चल रही है, छेती पकड़ने से पहले कि मैं गिरूं। सुसरे तने सुसाइड करने की सोची? महावीर मेरा लंच लगा। अरे सुसरे सुसाइड करने के बारे में सोचने से पहले अपने मम्मी पापा के फेस को तो याद करता। अरे मरने से बेहतर है मरने वाले हालात को ही मार दो। अरे चाटों की तरह फेस ऊपर करके लाइफ को हैप्पी देखो, समझा तू? अरे महावीर तू गया कौन नहीं अभी तक? मैं भी इमोशनल हो गया जी। अरे साची? हाँ जी चाचा जी। अरे पर तेरे इमोशन के चक्कर में हम क्या भूखे मर जावे? अरे मरे थारे दुश्मन चाचा जी, के बात करने लग रहे हो? अरे तने सो बार क्या मने काम पे चाचा नहीं, काम पे चाचा नहीं। चल जा जा इन चाचा जी। अरे पर चाचा, अरे जल्दी जा जा। अरे आगे आगे, अरे आगे की स्टोरी बताना। सुना क्या हो आगे बोल। अबे तेरा कोई आत्म सम्मान है या नहीं है? अबे खस्सी रस्सी तो मजबूत लेता कम से कम, शर्म नहीं है तेरे को? मेरा ढाबा मिला था तुझे, मैं तो फ्री में खाना खिलाता हूँ तुझे, बंद करा देता मेरा ढाबा आज। अब इतनी अकल हो तब ना। और चुप करो सारे के सारे हैं, एक तो ऑलरेडी बेचारा टेंशन में बैठा मेरा कन्नू, दफा हो जाओ सारे यहाँ से। अरे हम टेंशन में आ जाते अभी। एक लड़की के नो की वजह से तू डूड है यार, डूड। बिल्कुल साला, दोनों बहनों की शादी करा देता तुझसे अगर उनकी हुई नहीं होती तो। वैसे एक आइडिया है, एक काम कर तू सेक्स चेंज करा ले, आजकल सब पॉसिबल है। शट अप। नहीं 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 नहीं, अब मेरा मतलब है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। बिल्कुल ठीक हंस दे काके। अबे अब तो हंस दे यार, चेहरा प्यार।
हाँ ओए, बिस्कुट खाया? हेलो जी, हेलो जी, क्या बात कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या हो गया जी? ओ बल्ले बल्ले जी, बल्ले ला ओए। अरे हुआ क्या? अबे क्या हुआ? ओ जी नाचो, नाचो, अब भी नाचो। अरे हुआ क्या? अबे अबे क्या? सबके सब नाचो, 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 नाचो। थोड़ी देर पहले सुइसाइड होने वाला था, है जी? ओए मुस्टंडो, डांस बंद करो, इसके लिए लड़की देखना शुरू करो। हाँ भाई, तेरे लिए लड़की तो जरूर देखेंगे यार, तू ऐसे ही हंसता रहे मेरी जान। देखना कितनी क्यूट स्माइल है, बिल्कुल शाहरुख सिंह जैसी है। शाहरुख खान को तो शाहरुख सरदार होता तो। जिस जिसने लस्सी पीनी है ना, हैंड्स अप। दो दो दो, तेरे पापा ने यही रखवाया था यहाँ पे। रखवाया था जी। बल्ले बल्ले जी, चलो 250 ग्राम दही में बनवाइए, ज्यादा नहीं। चलो चलो भाई, लड़की ढूंढो भाई। आओ भाई, आओ आओ। एक सुपर्ब सुंदर सुशील लड़की ढूंढते हैं इसके लिए। सही है, सही है। ओए सुन सुन भाई सुन, सस्ती टिकाऊ मजबूत। हाँ। बढ़िया बढ़िया। अरे नहीं भाई। हाँ। लड़की कोई फर्नीचर है क्या? नहीं। देख भाई, हम तेरे लिए लड़की ढूंढेंगे। वर्जिन वर्जिन बंधु, तेरी तो चांदी निकल पड़ी। चलो मिलाओ हाथ, एंटी शैंटी पो करण को लड़की लाके दो। सोवा दुनिया सीधा साधा चलने में लग जाएगी तेरी बात, फुट कर चाहिए तो बन लो जी एंकी। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। okay. अरे भाई मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता कहाँ मिलेगी वर्जिन। कहाँ से जी? यहाँ से फ्लाइट पकड़ के अफ्रीका के मसई जंगल में चले जाओ। वहाँ एक झरना है, झरने में बह जाओ। जहाँ निकलोगे वहाँ पे एक नदी है, नदी में मत जाना। उसके पास में दलदल है, दलदल में कूद जाओ। एक कूदना, बाकी के हाथ पकड़ के चलना। जहाँ दलदल है वहाँ से एक रास्ता जाता है, वो जाता है वापस नहीं आता। उस रास्ते पे शेर हैं, चीते हैं, भालू हैं, वहाँ बैठी मिलेगी तुम्हें वर्जिन लड़की। क्या मजाक कर रहे हो? मजाक तो तन्ने किया साले, पीछे से हक दो और मुंह से बक दो। बड़ा है वर्जिन वर्जिन करने वाला, बात करता है। अरे जानता वर्जिन मतलब के होता है?
क्या सर? वर्जिन होता है इश्क का एहसास, वर्जिन होता है एक दूजे के लिए सोच, वर्जिन होते हैं सपने, मतलब दोनों मिलके अपनी ड्योड़ी में अपना ही चांद लगाए, अपने संसार को चांद जैसा बना दे, या होता है वर्जिन। कुछ समझा गूगल की औलाद? सही है सर। सर यार फोन साइट पे अपनी खुशी क्यों मिटा रहे हो यार? मैट्रिमोनियल साइट पे एक स्वीट सी लड़की ढूंढना। अच्छा ठीक है चेंज करता हूं, यहां पर क्लिक कर। हां वहीं पर वहीं पर वहीं पर। गाली है इडियट, इसे ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। अच्छा तू कर लेगा? अबे जरूरत तुझे? आई एम नॉट डेस्परेट। मैं तो कर लूंगा भाई, पैसे देगी तो। यार तू डेस्परेट मत बन, सीरियसली कर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मत करना बिहारी यार, तू हर बार तू रुक जा यार। ये ओए सही है बे। क्या है? लड़की गर्ल। ये लड़की है? हाँ। इसके बाल कहाँ हैं? अबे सही है ना, फिर भी तो नहीं है, हिसाब बराबर। ओए तू तमीज में रह के बात कर, तेरी बहन की। ओए 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 कांड भी चूज़ है क्या? ठीक है यार। ओहो तू होगा बेगर। हेलो हाँ। तू बेगर, तेरा बाप बेगर, तेरा पूरा खानदान बेगर। अबे, अबे इतनी कमियां ना निकाल यार, समझौता कर, समझौता। सही कह रहा, सही कह रहा। ओए समझौता एक्सप्रेस, तू अपनी सोच अपनी, तेरे पापा तेरे लिए कितनी लड़कियां ढूंढते हैं। ओए तू मेरे बाप पे मत जा, अंडरस्टैंड ना। कितनी ढूंढते हैं, सब में तू कमियां निकालता है ना। अरे बावली पूछ तो तू छोर याने रिजेक्ट कर दे वे। यस सर, जब मेरा मेंटल लेवल नहीं मिलता तो मैं ऐसा कर देता हूँ। अरे ओ मेंटल, मेंटल लेबल नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू मेंटल है, वहमी है, अड़ियल खच्चर है, समझ में आया तन्ने? यू माइट बी राइट सर, बट अगर कोई पंजाब में पैदा हुआ और बिहार में बड़ा हुआ तो ऐसा संभव है। अरे यार तू कोई भी बात सीधी तरह से क्यों नहीं बता रहा? सर 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 मैं आपको विस्तार में बताता हूँ ना सर। कौन से तार में? नहीं सर ये कह रहे आपको डिटेल में बताएगा पूरा। सर सर आप बैठिए ना सर, प्लीज सर बैठिए ना सर, मैं आपको बताता हूँ सर। जल्दी से बोल बोल। हेलो पापा जी, क्या हाल चाल है? डोंट टॉक टू मी इन पंजाबी। रास्ते में डॉक्टर नाथ की बेटी से मिल गया ना। लेकिन क्यों? शादी के लिए इडियट। पर पापा जी। पर बार कुछ नहीं, बस मिल गया ना। और हाँ मत कराना जैसे पिछली बार वो सरुजा की बेटी को हाँ कर दिया था। बट लिसन, यू हैव टू मीट मिस्टर शर्मा, देन यू विल मीट डॉक्टर कपूर। उनकी बेटी थोड़ी मोटी जरूर है लेकिन दे आर रेडी टू पे 12.5 lakhs, बट आई वांट यू टू सी शर्माज बेटी आल्सो। पापा जी मैं मिस्टर शर्मा की बेटी से मिल चुका हूँ, वो तो अजीब सी दिखती है। शट अप, तुम IAS बनना या पॉइंट कविता लिखनी है क्या तुम्हें उस पर? अरे तेरा बाप तो घना लालची है। अरे छोरा ना हो गया, गुड़गांव का प्लॉट हो गया। चाचा पर्चा बनाओ उस साले का, बंद करो उसके डैडी ने। नहीं 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 सर, मेरे पिताजी लालची नहीं है, वो बिहार में रिवाज है कि वहाँ हर ईंट के नीचे एक IAS पैदा होता है, और मेरे पिताजी की सोच अप्रोच भी वैसी हो गई। फाइनली उनके इमोशंस को समझते हुए मुझे उस लड़की के घर जाना पड़ा। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह मेरे श्रवण कुमार। आप कुछ गर्म लेंगे या ठंडा? गर्म। चाय या कॉफी? कॉफी। ब्लैक या दूध वाली? दूध वाली। शुगर के साथ या विदाउट शुगर? विद शुगर। कॉफी के साथ कुछ नमकीन लेंगे या मीठा? आप नमकीन रहने दीजिए प्लीज, लड़की से मिलवा दीजिए बस। हाँ हाँ जरूर जरूर। बेटा कनिका आप क्या करती हैं? अमरम भाई भाई मान गए, भाई मान गए। अरे जिसका बाप तेरे बाप जैसा होएगा उसका मेंटल बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। सर तभी तो अल्टीमेटली मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। पर भाई तू तो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। वही तो सर, तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा। पर कैसे? खुद को जानकर। पर खुद को कैसे जान सकते हैं? यहाँ अपने दिल में झांक कर
में पर दिल में कैसे झांकूं? खुद को समझकर। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खुद को कैसे समझूं? बस यही गलती कर रहे हो। काम काम, पीस रखिए, पीस रखना पड़ेगा। देखिए, जितनी फीस मैं आपको दे रहा हूँ ना, उतने में आज की डेट में एक घर चलता है जिसमें एक बाप, एक माँ और दो बच्चे रहते हैं। बाप पसीना बहाता है, मेहनत मजदूरी करता है ताकि अपने बच्चे को दो वक्त की रोटी दे सके, ताकि वो देश के काम आ सके। और आप हैं कि फीस और काम की बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये आपके पैसे, ये आप मुझसे वापिस ले लो और मुझे बख्शो। या बात से छोरे, थारा इलाज तो हमारे पास है। रियली सर, तो बता दो जी। अरे बताता हूँ, गाय भैंस का फर्क तुझे समझाता हूँ। क्यों हो या भाई? नहीं नहीं सर, वो कुछ नहीं। अरे पर हंस क्यों रहा है? नहीं सर वो उस दिन एक फीमेल का मेल आया था हमारे करण के लिए। वो याद आ गया। क्या है? अरे फीमेल का मेल के है सर, वो हमें सर वहीं जाके पता चला सर। टाई क्यों पहन के आए बे? हाँ अबे, आई एम ए जेंटलमैन यार। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? नहीं सही सही, अच्छा लग रहा यार। हम जल्दी तो नहीं पहुंच गए? नहीं ठीक है। तो सुनो, हाँ। तू ज्यादा उतावला मत होइयो, भाव एकदम गिर जाएंगे, बता रहा हूँ। यार मैं ठीक लग रहा हूँ ना? तू एकदम सही लग रहा है, पर इंग्लिश बोलियो। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश? अरे अंग्रेजी। देख भाई, आदमी को वही भाषा बोलनी चाहिए जो बेटे दिल से निकले। चलती हुई है बेटा, जो मुंह से निकले, ठीक है? ओए इंग्लिश बोलियो। अरे यार एक बात समझ में नहीं आई यार, इसने हमें ऑफिस में क्यों बुलाया? हाँ तो भाई काम वाम करती होगी ना, तुम्हारी तरह बकैत नहीं है। ओए शट अप, पता बकैती कौन करते हैं? कौन? नेता, लीडर्स। कम ऑन फॉलो। अरे मेरी बकैती की डार्लिंग। अरे आजा भाई। क्या ऑफिस है यार, अब तो लग गई। लगता है आज हम सब की किस्मत खुलने वाली है। क्यों भाई? आसामी है आसामी। क्यों अभिषेक? अभी आसामी गुजरातन बिहारन कोई भी चलेगी। अबे आसामी मतलब जुगाड़ पे जुगाड़ मैसा। Jesus, Father in heaven, please आज सेटिंग कर दो, please, 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 please. सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आइडिया, आइडिया, आइडिया। यूपी ना यहाँ की कैंटीन संभालेगा, हाँ? और तू ना, तू अभिषेक या का वो क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट संभाल ले, हाँ? और मैं या का मॉडल बन जाऊँगा। तू? And I will take care of R&D. I mean research and development. हाँ, ठीक है, ठीक। ओए, ओए, ओए। ओ यार, जिन्नी होगी उन्नी लगाऊंगा ना। Yes, ma'am. I am Karan. Karan Pal Singh. Karan, please come. यहीं रुकना। जा 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 जा। जाना मत। देखा बेटा? साला घिया भी मटन बिरयानी बन गया। नहीं Traitor!
Glad to see you. I'm so excited. No offenses, but मुझे चाहिए था एक ऐसा ही सरदार जिसकी दाढ़ी मूछ ना हो. I mean, clean shaven सरदार. अच्छा जी. I mean, ये तो कमाल हो गया ना जी. कमाल तो है, मुझे पता है. It may hurt your sentiments, your emotions, but No, but जी. Everything is correct जी. सब सब ठीक है जी. I mean, beggars can't be choosers, huh? सब ठीक है जी. बस बस मेरी माँ को पसंद आनी चाहिए. माँ भी ऑडिशन देखेगी. ऑडिशन जी? हाँ, ऑडिशन फॉर कैन फ्रेंच प्रोडक्ट्स. प्लीज नो मत बोलना. ओके जी. अमाउंट थोड़ा सा कम है पर नो नो जी. आर यू श्योर? या. प्लेजर मीटिंग यू. मी टू जी. बाय. अच्छा जी. मोपेड पे सुजुकी का इंजन लगा दिया क्या? ये सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है यार. भाभी हैवी ड्यूटी है भाई. अबे कौन सी भाभी? वो भाभी होगी मेरी. मुझे तो उसने ये 5 लाख का चेक थमा दिया. ओए कैन फ्रेंच का ऐड करने के लिए. अबे सही है यार. 5 लाख. ये रियल ब्यूटी है भाई. मेरा चेक है. मेरा बहुत सही यार. ओए ओए तू एक काम कर. तू ये ऐड कर ठीक है. हाँ. मैं इसे लाइफ में ऐड करता हूँ भाई. 5 लाख यार बहुत सही. वो चेक वापस कर. ठीक है ना? क्या हो गया? सुन आज से मैं तेरा मैनेजर हूँ. नंबर चलेगा मेरा, बात होगी मेरी. समझ गया? समझ गया. ठीक है, वैसे भी मेरे नाम पे. ठीक है यार. कंपनी ने बंद करवा दूंगा. आजकल रिलीजन के नाम पर क्या क्या हो रहा है, दुनिया का सबसे सेंसिटिव इशू है, फिर भी तमीज नाम की चीज नहीं है. मेरा नाम अर्जनपाल सिंह है. LLB फ्रॉम नेशनल कॉलेज बेंगलोर. LLM from Manchester College, United Kingdom. Materialism और commercialism इसका नजायज फायदा उठाया हुआ है. बुला उस मॉडल को जिसने ये ऐड किया. आपने उसकी गरीबी को खरीदने की कोशिश की. उसे पैसे का लालच देकर अपनी रिलीजन के खिलाफ कर दिया है. सरदार होकर दाढ़ी साफ करता है. हम उसकी गर्दन साफ कर देंगे. सर हमने जानबूझकर नहीं किया. प्रोडक्ट को बेचने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करना पड़ता है. ये ह्यूमर है या सोसाइटी का ट्यूमर है? सर सर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है सर. नाक रगड़ोगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. कान पकड़ोगे? सब सब पकड़ेंगे सर, सब पकड़ेंगे. और 1 करोड़ का फाइन लगेगा. ताकि एक कम्युनिटी के साथ ऐसा गंदा मजाक करने से पहले हर कम्युनिटी 2 बार सोचे. पर 1 करोड़? हाँ, 25 लाख हमारी तरफ से लेह में मारे गए लोगों के लिए और 25 लाख दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए और 25 लाख बिहार में सूखे की मार झेल रहे बंदों के लिए. कितने हो गए? 75. और 25 लाख संभाल के रखे जाएंगे. कभी भी जरूरत पड़ सकती है इस देश में. फिर वो बाबा फोन कर दिया. दीदी मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया. घंटे का आशिक है तू? वह छोरी फंसी नहीं और 1 घंटे में तू उसकी लाइफ से गायब हो गया.
सारे आसिकी के नाम पे कलंक है तू। एक घंटे तक कुछ ना बोलियो, सांस की आवाज भी आई ना तो सारे गिट्टे तोड़ दूंगा मैं तेरे। बोलियो मत कुछ। तुझे ही मैनेजर बनना था ना, फैल के अपना फोन नंबर दिया था। सर इसने मेरी पूरी सिक्योरिटी की गारंटी ली थी। सर तब से ये दाढ़ी मूछ लगा के घूम रहा हो। सब कुछ असली नकली और नकली असली हो गया है। ओ यार थोड़ी तेज चलाना। अबे तेज तो चला लूंगा यार, पर तूने अच्छी कंपनी का गोल लगाया ना, कहीं उड़ गया तो। ओए तेरी की, सही बोल रहा है यार, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है यार। तेरी लाइफ सेट है नहीं, पहले तू उजड़ा चमन था, अब तू वीरापन बन गया। अबे अल्फोंस तू ज्यादा मत बोला, मुझे बोलने पर मजबूर मत कर। ओए तू कमाल का सरदार है यार करण। हाँ खुश हो कि तू अपने मुंह पर वट भी नहीं दे सकता। ओए तू चुपचाप अपनी खटारा चला। अच्छा, चल चल चला रहा हूँ यार। चल हाय करण, आई एम मिसिंग यू। हाँ मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा मुझे भी खाना है। हाँ हाँ आ जाओ, साथ में डंडे भी खा लेना। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। अच्छा टिंकल तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आए हाय क्या बात है। आई लव यू। मी टू। हाँ हाँ 3-4 days में आपको मिल जाएगा। ओके बाय बाय। 3-4 days में क्या मिल जाएगा? ओ क्या मिल जाएगा? वो बॉस का फोन था। कनक हाय डैड। डैड इट्स अ सीरियस मैटर। डैड आई डैड आई एम स्टिल अ वर्जिन। अरे हंस क्यों रहे हो, आई एम नॉट किडिंग। अरे डैड देखो ये हल्की बात नहीं है, मुझे नहीं रहना वर्जिन, मैं आज कुछ करने जा रहा हूँ। अरे सुनो ना रिलैक्स, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है ना वो करण की मम्मी। अरे पूरी बात तो करने दो, करण की मम्मी की दोस्त। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने आज, वो ही है मेरी सर। कम ऑन डैड व्हाट इज दिस। आप भी एक तो घर पर दोनों दीदियों ने ऐसी की तैसी कर रखी है मेरी, ये खाओ ये मत खाओ, ये पियो ये मत पियो। हाँ इतने टाइम पॉटी करो, इतने टाइम सुसु करो, इसके साथ सेटिंग करो, इसके साथ सेटिंग मत करो। और पता है डैड वो मेरी सेटिंग किसके साथ करवा रही है, किसके साथ पता है आपको? वो रेखा, रेखा वो ए ए रेखा ब्रिगेंजा डैड। अरे पर मुझे नहीं करनी उसके साथ सेटिंग। एक तो मुझे साइंस नहीं चाहिए थी, मुझे साइंस दिलवा दी, अब जब मेरा बाप ही पास नहीं हुआ तो मैं कैसे होऊंगा। सॉरी डैड वो मैंने आपका रिपोर्ट कार्ड पढ़ लिया था। पर दो बहने कोई कम है क्या जो अपनी गर्लफ्रेंड भी बहनों जैसे बना दूं मैं? नहीं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं करण की आंटी के पास। नहीं नहीं मत रोको मुझे मत। नहीं आई लव हर। ओके आई थिंक आई लव हर। हां बस ओके बाय। यार तूने मेरी मासी को जुगाड़ बना लिया। पर तूने ही तो कहा था वो तेरी मम्मी की दोस्त है। तो क्या हुआ यार अल्फोंस, प्यार से मैं उनको मासी ही तो बुलाता हूँ ना। यार तो मैं भी तो प्यार से ही तो बोलता हूँ ना, सिर्फ मासी नहीं बोलता।
अकेले अकेले खीर खा रहा है, भगवान करे दस्त हो जाए तेरे। सही है यार, हमें चाटे खिलाते रहते हैं, खुद खीर खाते रहते हैं। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मर्डर कर दे साले का, मैं संभाल लूंगा। मर्डर कर दूं? कर दे मर्डर, कर दे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किसने बनाई भाई ये? मिसेस ने। मिस्टी ने? हाँ जी। बाय गॉड, क्या छोरी है मिस्टी, उसने तो 26 जनवरी में मेडल मिलना चाहिए। और ये है मिसेस रेशमी सूरी, पहले इसका पति इसको देखकर तो रोता और अब वो कहता है टोटा। सच्ची? तो वो जो मेरा हस्बैंड है वो मुझे आई लव यू बोलेगा? यस श्योर, बस आप यहाँ हवा निकाल लो। ठीक है जी, निकाल लो हवा। कोई खतरा तो नहीं है ना जी? ना ना ना, एक छोटा सा छेद करेंगे और सारे बेकार की हवा और पानी वहां से बाहर। सही है जी। यूपी से आई लव यू। आई लव यू। सॉरी जी। मैम आप इस पे साइन कर दो। हाँ जी, किधर करने? इधर। और आप कल ही करवा लो। हाँ जी पक्का जी, आई लव यू बोलेगा ना जी? आप हम पे थोड़ा यकीन रखो जी, आपको आई लव यू जरूर बोलेंगे। अच्छा जी, थैंक यू मैम, फिर मैं आती हूँ जी। थैंक यू। नेक्स्ट। अरे दीदी। मैडम ये ओए, तू यहाँ क्या कर रही? आप यहाँ क्या कर रही हो? पतला है। अरे सुनो तो दीदी। कहाँ? इधर तो। क्या हुआ? क्या अरे है? सुनो तो सही। अरे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पतली होने आई हूँ। अरे आपको पता है कितने खतरनाक लोग हैं ये, किडनियाँ निकाल करके धंधा करते हैं। मुझे भी आज ही पता चला है, मैं तो जा रहा था जॉब छोड़ के। मैं अभी फोन करती हूँ यूपी को। जल्दी करो। व्हाट टू डू? My right, always wrong. और आप ऐसे कैसे जा सकती हैं यहाँ से? हाँ जी बस चल के ही चले जाएंगे जी। इंसान आता यहाँ अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता है हमारी मर्जी से। अच्छा। और तू? हाँ जी। जिस थाली में eating, उसी में doing whole. अनपढ़ का मर्साला। ए, क्या है? अपने बॉस को अनपढ़ बोलता है? तो क्या? तेरी सास का ब्याह है, तेरे को पड़े जुतियां, मेरे को क्या परवाह है? My right is wrong. Thank you. You are welcome. चलिए जी। अच्छा। एक मिनट, एक मिनट। ए बॉस, सठिया गए हो? पगला गए हो क्या? कुछ समझ नहीं रहे हो? बेवकूफ बना रही है तुम्हें। लो जी, आज का सच बोलना भी गुनाह हो गया है। गोली मार दी जाए। मैं मर गई यूपी। My right always wrong. अरे बजा 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 बजा। क्या बजा? मोबाइल बजा। फोन रात का फोन। ये लो, कोई पता ही नहीं चला। हेलो हेलो हेलो, ये तो इमरजेंसी हो गई ना जी, कमाल ही हो गया। क्यों गया? ए जी मैं आई थी इंदरलोक, आपका इंदरलोक ही है ना जी? इंदरलोक, इंदरलोक स्लिमिंग सेंटर, न्यू लाइफ है ना जी? न्यू लाइफ स्लिमिंग सेंटर हनुमान मंदिर के पास ही होना जी। हनुमान मंदिर? सियाप्पा किसका मुंह देखा मैंने, यहाँ पे पतले होने आई थी। ए मर जाने कहते हैं, न्यू लाइफ तो क्या देनी है, तेरे को ही मार देंगे। न्यू लाइफ हाँ है। कोई तो बचा लो मेरे को, यूपी से ही कोई आ जाए। यूपी भी है क्या? अरे न्यू लाइफ सेंटर। आ जा जल्दी। हनुमान मंदिर चल 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 अगर कोई आपकी आखिरी इच्छा हो तो बता दो। अरे बॉस क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, ठोक देंगे। ऐसे कैसे ठोक दो, खुशी खुशी तो जाने दो। आखिरी इच्छा आलू। आलू? हाँ आलू, अनार दाने वाले आलू खिला दो जी। अनार दाने वाले आलू? हाँ जी। कैसे बनाते हैं? तो टाइम कितना है जी? आप ये बताओ जी बनाते कैसे हैं? आलू कितने लोग खाएंगे जी? तीन। तीन लोग? देखिए क्या है कि आलू आप बड़े भी ले सकते हो, छोटे भी ले सकते हो, लेकिन अनार दाने वाले बनाने हैं ना, तो छोटे छोटे आलू ले लेना है भाई। हनुमान मंदिर आगे से राइट। सत्य काजी लेके।
कढ़ाई को ना गर्म कर देना, उसमें देसी घी डाल देना, फिर उसमें ना लाल मिर्च का तड़का दे देना, फिर उसमें ना पिसी हुई काली मिर्च भी डाल देना, फिर उसमें पिसी हुई अजवाइन भी डाल देना जी। राइट इज रॉन्ग। कुकू कोड़े का दिमाग, मैंने आज तक गन में गोलियां डाली नहीं। कुकू कोड़े का दिमाग राइट इज। कुकू कोड़े राइट इज ऑलवेज राइट। साले तेरी तो कटेगी जेल में नाइट, काने तेरी तो घड़े दिनों से तलाश थी। अरे ले चल इसे, आज तो सेकेंगे इसे खूब। अरे ओ महावीर, बयान लिख ले इन सब का। अरे या जटायु का भी और बुंदे वाली बहन जी का भी। ठीक से। और मैं जरा काने को देखता हूँ। तूने आज तक मुझसे पूछे बिना दाल में तड़का नहीं लगाया, यहाँ आने की क्या जरूरत थी तेरे को? पूछता यहाँ क्या करने आई थी? इधर उधर डांटता रहता, इधर चली चलती है यूपी। कभी दो बोल प्यार के बोले, तेरे आई लव यू को तरस गई मैं। सिर्फ इसलिए कि मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया। बोलता यहाँ क्यों आई थी? मर जाती ना फिर पता चलता मिश्री नहीं मिली थी। चल 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 सॉरी बोल अपनी माधुरी को। बोला पर फिर भाई। अरे ओ बटर चिकन की औलाद, साले तुमने ये बता कि तेरा और मिसेस का हैप्पी हुआ कि नहीं? अरे सर जी चौधरी साहब के बताऊं, ऐसे घने पापड़ बेलने पड़े, ऐसे घने पापड़ मेरे बाप की तौबा जी। अरे बैंड बजाए दिल में डम डम अदाएं हर पल हर दम, हाथ से अच्छे अच्छों के दिल जाए, कमर जो तेरी थोड़ी सी भी हिल जाए। तेरे नखरे बड़े अलबेले हैं, हम ही ने तो झेले हैं। तेरे नखरे बड़े अलबेले हैं, हम ही ने तो झेले हैं। ऐ पापड़ तो असी ही बेले हैं, ऐ पापड़ तो असी ही बेले हैं, असी ही बेले हैं, ऐ पापड़ तो असी ही बेले हैं। अब ये कौन आ गया सेंसर बोर्ड की बीमारी? एक ही तो है हमारा उल्लू का पट्टा बिहारी। जा अरे अबे अबे कच्चे बनियान, अबे क्या 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 है, पंजाबी छूट गई क्या घर? बेटे वो मोनिका कैसी है? मैं अभी उसी के बारे में सोच रही थी, भिंडी बहुत पसंद है ना उसे। छोड़ो ना मम्मी, ब्रेकअप हो गया उससे। ब्रेकअप हो गया क्यों? पापा दमड़ी खत्म हो गई उसकी। मतलब? कैश पापा, पैसे नहीं उसके पास। तो क्या, पनी का बच्चा हूं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सही ना पापा? कल अपने पापा को भी छोड़ देगा अगर दमड़ी ना मिली तो? क्या मम्मी, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं ना पापा, कुछ भी कुछ। खड़ा हो, उठ, उठ जाओ। ऐसा होता है बेटा, 5 साल तक तेरे बाप के पास काम नहीं था, लेकिन तेरी माँ ने नहीं छोड़ा। बनिया अपना सौदा बेचता है, अपना धर्म और ईमान नहीं बेचता। जानता हूं कि बात अभी तेरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जरा सोच, अगर ऐसा किसी ने तेरी बहन के साथ किया होता तो तुझे कैसा लगता? बदतमीज, अब इससे पहले कि मेरा मत्था घूम जाए
निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा, कम ऑन गेट आउट। इसलिए मैंने अपना सामान उठाया और यहां चला आया मैं। ये सामान से तो लग रहा है तू एक डेढ़ महीने हिलेगा भी नहीं यहां से। यूपी भाई कुछ खाया नहीं मैंने इतनी देर से, भूखा बैठा मैं जब से यहां। अरे साला लड़का ना वो पिंपल हो गया यार, हर कोई दबाने की कोशिश करता है। खुद पहले सारी जिंदगी मुझे कहते रहे पैसा पैसा सब कुछ होता है, और जब साला मैंने खुद पैसे की सोचना तो चांटा टेक दिया यार। पापा है वो तो चांटा टेक है, मैं होती ना तो तेरे बम्ब फोड़ना था मैंने, खजूर ना मार लो, आप भी मार लो। ओ प्यार और पैसे में कोई डिफरेंस नहीं होता। करेक्ट बे, करेक्ट बे, करेक्ट करेक्ट। मतलब मेरा मतलब यहीं पे रहेगा, मतलब तेरे को यहीं पे रहना चाहिए। नहीं भाई ठीक है, मैं ना चला जाता हूं, मैं रोड पे सो जाऊंगा। ठीक है चलो, खड़ा हो यार तुमने पैक करो ये सब खड़ा हो यार तुमने ठीक है। आज मेरा मूड ठीक है, रह ले यहाँ पे, पर सुन बाहर सोना पड़ेगा। हाँ भाई, समझा ना? सो जाऊंगा। और अपनी एक कच्ची बनाना, बाहर तो ना। और इधर आ, लाल कच्ची पहनता है, उल्लू का पट्टा। चल ठीक है, मैं ना तेरा मूड ठीक करने के लिए ठंडा लाती हूँ। हाँ। लाल कच्ची पहनेगा बड़ा सुपरमैन। हुई करण भाई सुनना यार, 200 रुपए देने यार अर्जेंट चाहिए थे। ओ यार मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ओए चोर, मैंने तेरे को दिए थे ना 300 रुपए, दे। यूपी भाई मेरे 400 रुपए। मैंने 500 रुपए अल्फांसो को दिए थे उस दिन। हेलो अल्फांसो, अभी पता नहीं कहाँ होगा, सेटिंग कर रहा होगा कहीं पे बैठ के। मम्मी, ओ तेरी, ये तूफान कैसे आया? दुबई से। क्या मम्मी? वो तो भाग गया। मम्मी दरवाजा खोल। ओ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? नहीं सिर्फ बटन वाली। ओके, नो बटन्स नो चेन्स। नो चेन्स नो बटन्स, तो क्या सोचना पड़ेगा। वैसे हाँ, रीका आने वाली है, बेचारी पता कितनी परेशान थी तुम्हें लेकर, उससे अच्छे से बात करना। अरे उससे क्या बात करनी है दीदी, उससे तो यूपी के ढाबे का कुक भी बात नहीं करेगा। और वैसे भी ना, जब कोई बीमार हो और उसके सामने रेखा जैसा चेहरा आ जाए ना, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ? फालतू में चिल्ला मत, हम जा रहे हैं और उससे अच्छे से बात करना। ओके ठीक है। मैरी, लगता है उसने सुन लिया। आई नो, इस बिचारी की फिजिक्स को ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि इन दोनों की केमिस्ट्री बन जाए। सही कहा, और बायोलॉजी। क्या है मारी कंट्री का यूथ, घना गुड है जी, घना गुड है। इस साले लालची को तो दमड़ी चाहिए, और इसे 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 चमड़ी चाहिए। अरे यह मारी कंट्री है जहां फेयर एंड लवली बिके है। अरे इंसान गोरा नहीं हुआ तो क्या इंसान अच्छा नहीं है क्या? तभी तो ये सारे यूथ का मूत ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट है सर जी, करेक्ट है। आज के युग में अगर हीर रांझा, सोनी महिवार, लैला मजनू, सस्सी पुन्नो, इनकी भी शादी अगर हो जाती ना तो डाइवोर्स ही हो जाता। अरे क्यों सर, चमड़ी चमड़ी के चक्कर में? एथिक्स, मॉरलिटी, सेंसिबिलिटी, रिश्ते, आजकल सब कुछ बदल गया है सर। ओए तू ना ही बोल तो अच्छा है, अभिषेक के बारे में कहाँ गई थी तेरी एथिक्स, मोरालिटी, सेंसिबिलिटी? सर वो तो सर मैं अपने दोस्त का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, और वो अपना इमोशनल बस सर। अरे पर कैसे है? ये कोई काम है, ये पेपर चेक करना यार, मुझसे नहीं हो रहा है। देख भाई, हम तो ऐसे ही काम जानते हैं। देख 7 रुपये मिलेंगे एक पेपर के, अगर तू 200 पेपर भी चेक कर लेता है तेरे हो गए ना 1400 रुपये। क्यों समझा करना यार। देख जिसका नाम तुझे पसंद आए उसको पास कर दे, और जिसका ना पसंद आए उसको फेल। करेक्ट? समझ गया भाई,
मजबूरी का नाम मान दिया, कहीं भी आ सकती कहीं भी जा सकती, जेल लो। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, तू ही तो है मेरा प्यार। सही है यार। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर ही रहो। अरे यार चलो चलो, पापा ने चाय पे बुलाया। चल चल पैक कर ले, खड़ा हो। चल चल। हेलो, तुम सबको नहीं है, सिर्फ करण को। आज शाम टी और सब सेट। ओ तेरी। मुझे अकेले। ट्विंकल लग गई। देखो ट्विंकल, मुझे चाय पकौड़े खाने की आदत है, चाय और गोली नहीं। तुम्हारे पापा मुझे गोली मार देंगे, he'll shoot me। अरे यार, I know my dad, वो मेरे पापा हैं, मेरी हर बात मानते, तुम चलो बस। अरे अरे कुछ समझाओ ना इसको यार। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा अकेले, तो बिल्कुल जा, जाना चाहिए जा। और अगर उन्होंने गोली चलाई तो तुम क्या करोगी? अरे बाबा, अगर वो गोली चलाएंगे तो मैं सामने आ जाऊंगी, बस तुम चलो अब। क्या बात है, सच्ची मुच्ची। चलो टाटा। क्या जमाना आ गया है यार। बताओ, चाय पिलाकर बाप बेटी के बारे में डिसाइड करेगा। वैसे बेटा, तेरा भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता ना, तो तू भी आज मोनिका के साथ चाय पे जा रहा होता। सही बात है यार। हाँ? अबे तू पी लेना चाय उसके साथ, मैं क्यों जाऊँ? नहीं यार, एक्चुअली मोनिका इज नॉट माई कप ऑफ टी यार। अच्छा कप टी, क्या है तेरी, क्या है कप ऑफ टी? यार लड़की ना, लड़की वो जो हो कूल हो, वैनिला क्रीम जैसा उसका कलर हो, लाइफ में ना यार ठंडक आ जाए, स्वाद आ जाए, एंड शी शुड बी एन आइसक्रीम। आज हमेशा डंडे पे खड़ी रहे ना। What? अरे भाई, पैसे वैसे है नहीं यार, तू आइसक्रीम की बात कर रहा है यार। तू भी ना यार। एक्सक्यूज मी, यहाँ यूपीएससी के फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ जी। नो, आई मीन गो स्ट्रेट एंड टेक राइट। नो, टेक राइट, राइट राइट राइट, या राइट। प्लीज आप मेरे साथ चल सकते हैं वहाँ तक? क्यों नहीं, आ जाएगा जाएगा। अभी तो ये बिना पासपोर्ट के पता नहीं कहाँ कहाँ घुसता चला जाएगा। क्या नहीं मतलब, ये हमारा बिहारी ना थोड़ा इसके लड़कियों के सामने थोड़ा टाइट हो जाता है मामला। थोड़ा शर्मीला है ना ये, जा जाना जा। आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे एक इंसान का फर्ज होता है किसी को राह दिखाना। आइए ना। यहाँ पे भी साला फर्ज की बात ही करियो, पता नहीं क्या फर्ज का कर्ज उतारना है इसे। वैसे आप यूपीएससी क्यों दे रहे हो? आप तो इतनी खूबसूरत हो। क्यों, यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है? नहीं नहीं, अब मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आपको कुल्फी आइसक्रीम पसंद है? कुल्फी? हाँ हाँ, कुल्फी पसंद है मुझे। भैया मुझे कुल्फी मलाई वाली, आपको? मुझे भी मलाई वाली कुल्फी। आप भी यही पसंद करते हो? जी मैं भी मलाई वाली ही खाता हूँ। That's nice. ये लीजिए। लो। Thank you. वैसे आप बड़े helpful हो। और आप बिल्कुल cool हैं। इस कुल्फी की तरह। आपकी girlfriend ना बड़ी lucky होगी। और आपका boyfriend भी काफी lucky होगा ना? फिलहाल तो नहीं है। Really? मेरी भी नहीं है। आपका नंबर मिल सकता है? 999-999-555। जानना चाहता है कहाँ से आई? बोलना भाई सुन, रखिए कान में खुसर बुसर की थी तुमने? कुछ नहीं सर, वो के ओए अब बोलना। आदर्शवादी मिस्टर एथिक चंद, अब क्यों हो गई तेरी बोलती बंद? अब बक। सर मैं बताता हूँ सर, ये ना गलत है, ये देख रहा है, ये भी गलत है, और जो तू कर रहा है वो भी गलत है। देख भाई, गलत है भी और गलत नहीं भी। अब यार तू कंफ्यूज कर रहा है यार।
सही सही बताना, सिंपल बताओ मैं करूँ या ना करूँ, बोलना। मेरी मान तो कर ले। क्या? कर लूँ। ओए, ओए जीके की दुकान सटिया गया ये, इसकी मत सुन। देख भाई, सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं और मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर मेल फीमेल के पास जा सकते वॉट एवर द रीजन आर, तो फीमेल का भी तो कुछ हक होने चाहिए ना यार। सही कह रहा है, और क्या। ओए हकबक, तू ना मेंटल हो गया है पूरा, इसकी बात मत सुन यार। अच्छा अच्छा एक बात बता, होंडा सीआरवी लूं कि सिटी? भाई वो तू देख ले। सिटी लूंगा यार, ब्लैक, उसके एवरेज सही है। ओए कोक मसाज, कामा सूत्रा, यूरोपियन सेक्स, तांत्रिक सेक्स, भाई तुमने तो सेक्स का पूरा साहित्य ही पढ़ लिया। पर वाह, आत्मा का साहित्य, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा तुमने? मैं तो था ही नहीं वहां सर, इन्होंने सारा का सारा सिलेबस खुद ही पढ़ लिया। शर्म को नहीं आती तने? थारा कसूर कौन है? कसूर तो इस सारी दुनिया का है। अरे यह दुनिया अपने फायदे के हिसाब से लॉजिक बनाती है और अपने फायदे के लिए सारे लॉजिक को एडजस्ट कर देती है, चेंज कर देती है। यह सारी दुनिया ही ऐसी है। शर्म को नहीं आती इनको? हट बेटे, हट सारे। सर, हमें माफ कर दीजिए सर, प्लीज माफ। अरे के माफ, माफ तो वाह करें, पर वो चाय, वो तेरी तेरी वो चाय कैसी रही? जी वो सर जी, चाय के लिए तो देर हो गई, तो फिर डिनर ही खाने को मिला। मैंने आपको कहीं तो देखा है। हाँ जी, मुझे जी, नॉट पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। मैं तो घर से बाहर जाता ही नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ओए, तू तो वही कमजोर है ना, जिसने पैसों के लिए अपनी दाढ़ी और सारे सिक्काती नाक कटवा देती। यू डोबरमैन, मैं तेरी गर्दन काट देनी है। क्या? मेरा जड़वा भाई, मेरी मूछें हैं, वो मुछलूंगा। ओ जी, तुवाड़ी गल मैं समझ सकता हूँ। जिन्नी पीड़ तुवानू हुई सी, सेम टू सेम पीड़ भी सनू ही हुई सी। जी बड़ा समझाया था मूरख को। ओए खोते, ओए पैसों के लिए कोई अपना ताज बेचता है? और ना कर, गलत बात, पाप है ये, पाप। पर उसने मेरी एक ना सुनी जी, सच। You mean वो डोबरमैन तोड़ा पाया है? हाँ जी, same to same जी। गर्दन कट जावे सर, कोई गल नहीं। पर पापा ने भी उसे बेदखल कर दिया, भेज दिया उसे सोमालिया। लेकिन सोमालिया ही क्यों? जी वो बेटा है ना जी, अब अपने ही हाथों से जहर तो दे नहीं सकते, इसीलिए भेज दिया सोमालिया। वहां पे बगैर खाने के वैसे भी मर जाएगा। और अगर सरकार भी चाहे ना तो भी वापस नहीं आ सकता जी। क्यों जी? वो सोमालिया के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है ना जी। अबे तूने सोमालिया क्यों बोला? सोमालिया के साथ तो अपनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। अबे जनरल नॉलेज की औलाद, गूगल सर्च, शुक्र मना कि मैंने किसी देश का नाम बोला, भटूरे छोले नहीं बोले। चुप कर बे, स्पीड ब्रेकर।
स्टोरी का फ्लो खराब मत कर। चल चल तू बाकी की स्टोरी सुना और शॉर्टकट में सुनाइयो। तू क्या दांत फाड़ रहा है? कड़ा रहा सीधा। सर शॉर्ट में ना सर जी, मैंने आखिर में उनको सेट कर ही लिया। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी टिंकल, तुम थी वो जरूरत। रुक रुक रुक, दो मिनट सर। ओए हाँ कहाँ यार, तू कब से ढूंढ रहा है? चलना यार, चलना यार, लेट हो रहे यार। नहीं यार मैं वो समझना यार, नहीं जा सकता। ठीक है यार, सही है भाई, लुगाई मिल गई भाई को, भूल गया तू है? क्या बोल रहा है यार, तुझे भी तो कमाई मिल गई तो तू भी तो अपने भाई को भूल गया ना, मतलब आज संभाल ले। जाओ ना। चल ठीक है जा रहा हूँ मैं, वैसे भी शेव करानी है रास्ते में। चलेगा कराएगा शेव? चल भाई बढ़ा ले, भाई का तो प्रोग्राम सेट है। सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया करके फोन ना ही करें। तू चालू रख। बोल। सर मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था सर, मुझे इस धंधे में इतनी सुंदर औरत मिलेगी। कुछ पियोगे? नो थैंक्स, मैं पीता नहीं हूँ। पीते नहीं तो जीते कैसे हो? हाँ नहीं बा, एक्चुअली एक बार पी थी तो उल्टी वॉमिट आ गई थी। यार अ गुड बॉय। हाँ You're also a good girl. Shut up. अपना काम करो, भागो यहाँ से। हाँ बोल भाई। भाई अबे छत पे यार। छत पे क्या कर रहा है यार? अरे यार केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन इश्क का? मुझे ना कोई नंबर चाहिए लेडी डॉक्टर का, भाई जल्दी दे दे प्लीज। यहाँ मिसेस अटल बिहारी बख्शी मिलने जा रही है और तू? अच्छा बता किसे चाहिए डॉक्टर? प्यारी नंबर दे यार तू। बहुत वार्म था गुरु। चल चल नंबर लिख। 9810। डॉक्टर उषा। डॉक्टर उषा ठीक है भाई, थैंक यू। और सुन मेरा नाम लियो। क्या हुआ कैसे हुआ
कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। फंस गई थी अब नहीं तो डोंट लाय हा आई नो तो क्या हुआ सबकी फंसती है ठीक है एक मिनट पास आओ ना जरा प्लीज 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 ये सपना तो नहीं है ना पता चल गया पता है तुम हंसते हुए ना एकदम तोता लगती हो तोता और तुम यहाँ हॉस्पिटल में पड़े पड़े बिल्कुल तोते लगते हो अच्छा बताओ एप्पल मैंगो या ग्रेप्स खाओगे क्या खाओगे अबे साले क्या कर रहा है अबे तू इधर क्या कर रहा है कभी कभी सब कुछ हमारे सामने होता है मगर दिखता ही नहीं है लेकिन जिस दिन दिखता है तब और कुछ नहीं दिखता सर मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे रेखा से कब प्यार हो गया मगर काश पहले हो जाता सर जी मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था सब कुछ अच्छा भी हो रहा था पर पता नहीं फिर कैसे प्यार में इस कदर रम गया कि सब कुछ दिखना ही बंद हो गया बस ऐसा लगा कि ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं एक कदम बढ़ाया और सीधा नीचे वाले की बालकनी में दिल बच गया पर हार्ट टूट गया थैंक्स महिमा पता नहीं सर मुझे लगा शायद प्यार हो गया है पर मुझे कुछ और ही चाहिए था सर तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे होगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है मैं कुछ और सोच रहा था एक्चुअली माय हस्बैंड मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे रहे हैं पर क्यों आप तो इतने ब्यूटीफुल हो नहीं आई मीन थैंक्स पर किस्मत खराब है नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते आप आपको एक बात बोलो आप बुरा तो नहीं मानोगे बोलो वो उस दिन डॉक्टर को ना मैंने आपकी फीस दी थी 500 रुपये तो वो अगर तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट हो नहीं वो तो असल क्या है ना अभी कोई जॉब अब नहीं तो थोड़ा पैसे वैसे नहीं है ऐसे ही पंगे रहते हैं थोड़ा कड़की है एक मिनट क्या है बे चल भाई बता फिर बड़ा कौन ओ जी तरनपाल छोटा कौन ओ मैं और कौन चुप करके जवाब दे पेपर है तेरा ओ जी मैं करनपाल और कौन निशान कहाँ है माथे पर तरन के क्यों वो बचपन में साइकिल लेके भागा था हैप्पी की गिरा था बड़ी चोट लगी थी ओए ओए हीरो ओए ओए हैप्पी नहीं ओए हैप्पी नहीं जा 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 लक्की आ गया भाई ओ यार लक्की हैप्पी बात तो एक ही है ना ओके 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 देख सब कुछ तो ठीक है ना चुप स्टेटमेंट बदलनी नहीं चाहिए हाई कोर्ट का वकील है ठीक है ना 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 बचपन में पिटता कौन था मैं पिटता था नहीं 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 वो पिटता था ओए तू पिटता था ओ यार वहां पे ना मेरी वाली आएगी उसके सामने मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाऊंगा अपनी ट्विंकल के जो प्यार करते हैं वो इंसल्ट नहीं करते सुन ले अल्फांसो और तू भी सुन ले खोते दे चल भाई करण
अब एक एक चीज जो है ना रिपीट कर अच्छे तरीके से, और तुम दोनों जो है ना नोट करो, कोई गलती ना हो। मैं खा रही हूं, तू तू नोट कर। चल ठीक है, रेडी, चल एक्शन। ओके जी, मेरा नाम करणपाल सिंह है, मेरे भाई का नाम तरणपाल सिंह है। वो ना बचपन से ही बहुत शरारती था, और बचपन में ना हैप्पी की साइकिल लेके भागा था, नहीं लक्की की साइकिल लेके भागा था, गिरा था धड़ाम से, बड़ी चोट लगी थी सिर पे। और जी ना बचपन में मुझे बहुत मारता था घुमा घुमा के, बड़ा कमीना था वो। नहीं नहीं नहीं, कुत्ता, आई मीन यहाँ कुत्ता लिखा है। आय हाय, तेरी डिटेलिंग है, थोड़ा सांस ले ले, मर जाएगा। ओके, कुत्ता था वो। और अब मिशन इज पॉसिबल। अरे यार, इस काम धंधे को क्या हो गया आजकल, ग्राहक ही नहीं पहुंच रहे यहाँ तो। ये है ना पनौती, अब इनको देख के धंधे की माँ बहन नहीं होगी तो क्या होगा। अबे यार, बेचारों के दिल टूटे हुए हैं, तू बातें कर रहा है, मुझे तो तू लग रहा पनौती बहुत तगड़ा। चल ना के आ, चल ये ले, चल 20 रुपए लेके आ ग्राहक से। यार एक थप्पड़ ने साली किस्मत बदल दी, वरना मम्मी पिन्निया बना चुकी थी, मैं हनीमून पे जाने वाला था, यूं बच्चे होते बेचारी दादी बनते बनते रह गई यार। तो मेरे भाई तेरे को किसने बोला था मैं इतना तेज तेज नाचने को यार। इसीलिए कहता हूं बंधु, इंसान को ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए। चुप! और तुम तो इतना जोर से नाचे थे भूतनी वालों, तुम्हारा क्या हो गया? हाँ ये लो तुम्हारे लिए। थैंक्स, पर इसकी क्या जरूरत थी? और इतनी महंगी जगह आने की भी क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ? नहीं वैसे नहीं, वो बात नहीं है, ये सब बातें घर में भी हो सकती थी ना। यू आर राइट, बट
ऐसी बातें तो यहीं पे की जाती है ना। मेरा मतलब थोड़ा स्टाइल से। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ जी पापा जी। अरे बेटा, एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है तेरे लिए। कमाल का रिश्ता आया है, 25 लाख देने को तैयार है वो। और अगर तूने वाइवा पास कर लिया तो 25 लाख और बढ़ा देंगे। पर पापा जी, मैंने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। लड़की किस फैमिली की है, क्या करती है, मतलब उसके माँ बाप इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार है? नहीं नहीं, वो अनाथ है और उसकी एक छोटी बहन है। फिर वो क्या पैसे देगी? उसको भी पालना पड़ेगा, उसकी बहन को भी पालना पड़ेगा। पर पिताजी, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसे आप बेचने की सोच रहे हैं। मैं तेरा बाप हूँ, जो बोलूंगा वही करेगा तो। हेलो हेलो, अरे महिमा। अब भैया एक मिनट। यस सर। यह एक लड़की बैठी थी, कहाँ गई? मैडम तो चली गई सर। ओह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये बेटा, किस्मत में लड़की तो खत्म हो जाती है कड़की। हेलो। माय लव माय लव माय लव, घर चलो यार, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। You know I love you so much. You know. मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारे बिना रहकर भी तुमसे दूर हूँ ऐसा नहीं लगता। I know. But we can't live together. We can't. No, no. मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। And I know that. और मैं माफी मांग रहा हूँ, please. पर आलोक, पर मैं कभी माँ नहीं बन सकती। No, no, and no, I'm really sorry about that. Listen to me, my love. You know, उसका हल निकाल रहे हैं ना? हम बच्चा गोद ले लेंगे, okay? पर let's decide that. And I can't. I can't live without you, baby. Baby, I can't live without you. And I'm so sorry. So sorry about the divorce paper. I'm so sorry. Please forgive me, my baby. Please forgive me. And I love you. I love you too. I love you. I love you so much. मैंने पहले सोचा शायद बचपन से प्यार था, और अब यकीन हो गया कि पिछले जन्म से ही प्यार है। ये फूल भगवान ने ऊपर से भेजा है। Oh my God, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा, एक किस दे दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, बाय। अच्छा, दीदियों ने कहा है शादी से पहले कुछ नहीं। अरे तेरी कौन सी दीदी है? मेरी नहीं, तुम्हारी दीदीज ने। कौन? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। मैं नहीं खाऊंगा जो तुम्हें खाना है, नहीं पीऊंगा जो तुम्हें पीना है। मैं दिन को रात बुलाऊंगा, रात को दिन बुलाऊंगा। मैं हर सैटरडे सर पर ऑयल नहीं डालूंगा, नहीं पहनूंगा, तुम्हारी चॉइस के अंदर है। व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नहीं करनी मुझे शादी, स्पेशली उससे जो मेरी सिस्टर्स की चॉइस है, दैट्स इट। अपने आप को समझते क्या हो? सलमान खान, हाँ? हूँ मैं तुम्हारे सिस्टर्स की चॉइस। अच्छे लोगों की ना अच्छी चॉइस होती है। तुम जैसे इडियट को कौन पसंद करेगा? तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे? मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ राइट नाउ। नॉनसेंस, ब्लडी फूल।
मिस्ट्री पहुंच गई मम्मी के घर अपने? हाँ हाँ पहुंच गई एकदम ठीक ठाक से। अच्छा सुनो वो चारों ठीक है ना? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी, ठीक है ना? पर बड़ा बुरा हाल हो रखा है इन बिचारों का, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए दिल के इनके मिस्ट्री। हाय बिचारे। चलो कोई ना, मैं आ रही हूँ दो तीन दिन में। दो तीन दिन? अच्छा ठीक है, कोई ड्रिंक श्रिंक नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अरे छोड़ दी, जब मैंने एक बार तो छोड़ दी। हाय मैं मर जा। अच्छा ठीक है, रखती हूँ मैं फिर। ओके हाँ चल ठीक है, ओके बाय। ख्याल रखना, लव यू, बाय। यार ये क्या करूं यार इन लौंडों का, बेचारों के दिल ऐसे टूटे हुए हैं कि मेरा दिल भी ना बिल्कुल अंदर से ना ऐसे मतलब लुप लुप करने लगा है यार। गला अलग सूख रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसे में मतलब लिटिल लिटिल तो बनती है, है ना? है बेटे? दीदी को मत बताइयो अपनी, रख ले। सेवन अब भी पी लियो, है बेटा? दो तीन दिन में ऐश होगी। तुम्हारी रोनी सोते देख कर ना, बाय गॉड किसी दिन यूपी मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसे। ये ले बे। सुनो एक बात बोलूं, मेरी बात मानोगे? क्या? पियो रम, भगाओ बैठ के जाए गम, मार बे। हम नहीं पीते। बच्चों वाली बात, कब तक आंखों से इमोशन बहाते रहोगे बे? हैं? कभी कहीं और से भी भाव ना। नहीं सही है, सही बात, सही बात है। है, पर कैसे यार? क्या 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 ये बात? सुनो अभी अभी मेरे को कहीं से आया है फैक्स, सुने तुम कि करते हैं लीगल एंड पेड सेक्स? भाई ऐसे होता है? नो नो नो, पापा यूपी भैया। अरे यार सुनो मेरी बात पहले, ये है यूपी का सुपर हिट फॉर्मूला। जब दिल टूट रहा होता ना, जब दिल टूटा होता ना, मेरी बात एंजॉय कर रात के दूल्हा। मैं पहनूंगा सारा यूपी भाई, लाओ तो। पाप लग गया, मिश्री को पता चल गया तो पॉइंट है। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बीस बीस लगाओ डंड और खींचो दो दो बढ़िया वाले पटियाला बैग लगाओ, और सुनो वहाँ लगाएंगे कॉन्डम, और अगर पाप लग गया ना तो मुँह में धुआ लूंगा। चलो जिसको आना है भाई आ जाए, जिसको नहीं आना पीछे वो भी आ जाए। भाई हम तो जा रहे हैं, अच्छा चलो, चलो, दिल थोड़ा भगवान को भी शर्म आनी चाहिए। चलो ना, अब खींच दो गाड़ी बस। आई थिंक दे आर राइट। ओए आदर्शों की दुकान, तू भी? आदर्श छोड़ यार, इट इज ए बायोलॉजिकल नीड। ओए आजा आजा भैया, आजा आजा। कमिंग। आज तो दूल्हा बंद कर रहेंगे यार। अच्छा एक बात बताओ, आगे बोला यार चारों आ जाएगी। चलो यूपी 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 भाई, यूपी भाई थोड़ा धीरे। अबे जब चलेगी गाड़ी तब धीरे चलेगी ना सालो, धक्का कौन मारेगा? बस सर ये इनकी छोटी सी कहानी, जिसका ना चाहते हुए भी मैं ही विलेन हूँ। मेरी मत मारी गई थी, मैंने मिस्ट्री के कहने पर सारे बुरे काम छोड़ दिए थे, मैंने कबाब खाना छोड़ दिया, मैंने शराबबाजी छोड़ दी, मुझे शराब ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। सर सर इन लोगों का कोई कसूर नहीं है सर, सर ये लोग बहुत अच्छी फैमिली से सर, इन्हें जाने तन्ने कही और दिल्ली पुलिस छोड़ देवेगी। अरे दफा 376 लगी है इन पे, अटेम्प्ट टू रेप।
अच्छी फैमिली के ये साले कंजर, अरे रेप करने की क्या जरूरत थी, मौके पे पकड़े गए साले। रे मौके पे यूं ना पकड़ा गया उस, हैं उस साले, तू बच किस तरह गया उस दिन? मैं 2400 में बस क्या बताऊं मैं, किस्मत उतार दे। हरियाणा काम हो जाएगा। मरवाएगा क्या? वो उतार दे। अबे क्यों शहीद करवा रहे हैं इसे? हैं? हेलो। हेलो। क्या है? हेलो। कुछ नहीं। चल टाइम पूछ रहे थे। कुछ नहीं कुछ टाइम पूछ रहे थे। हाँ धक्का मारना। हाँ यार। जोर से मारना। मारना बियारी। अरे भैया कुछ चाहिए क्या? नहीं। हमारा रात का समय है, जवान छोरे हो हाँ? कुछ नहीं चाहिए? माल मिलेगा? हाँ भाई ना असली बात पर, जैसा चाहोगे वैसा दिला देंगे भाई। कंचा देखना चाहोगे कि हम खुद ही दिला दें? खुद ही? एक कंचा पीस है हमारे पास, 2500 रुपया लगेगा। 2500? पाँच का? पांच का नहीं, अब एक ही पीस है हमारे पास, लेकिन क्या है कि पर्सनल जगह है उसकी, प्राइवेट बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, पांचों मिलके खा लेना। डन करो फिर। डन। ओके। हेलो मैडम, पांच लोग हैं, एकदम नहाए धोए लग रहे, 12/24 पे चलिए डन। ये लो भाई तुम लोग का काम हो गया, पहुंचो। क्या बात है। 12/24। बहुत बड़ा बंगला है यार। बड़ा तो है। सब रेडी? रेडी रेडी। दवा दिया मत बनना है, ठीक है? स्ट्रांग। यस वी कैन। यस वी कैन। मिस्टी 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 फोन है, फोन है। हेलो। ओ यार मेरे को तो सुसु आ रही है। क्यों डर रहा है भाई, क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है? मिस्टी नहीं आने वाली। क्यों? बोल क्यों? क्योंकि मिस्टी अभी इतनी छोटी नहीं हुई है कि वो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आ सके। जोक था। ना जाने लोग क्या क्या सोचते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? गुड न्यूज। क्या क्या हो गया? यार मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे यकीन था आप पर योगी भाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है यार, मन नहीं मान रहा, मैं इमोशनल हो गया हूँ। पर तुम इरादा पक्का? स्ट्रांग पक्का। हाँ तुम्हें मर्द बनना है, मर्द, ठीक है? लव यू। अरे सुन महावीर। हाँ चाचा। बंद कर दे इन सारे झूठों को और पाँव में तेल लगा के खूब कुटावा चढ़ा और कल सुबह कचहरी में पेश कर दे। सॉरी सारे गिट्टे तोड़ दूंगा तुम लोगों के, फ्रॉड कहीं के झूठे सारे। प्लीज सर, सॉरी सॉरी। मजिस्ट्रेट को जाके बोलना सॉरी। मासूम शक्लें देखो इनकी और करतूतें देखो। अरे कैश दे के लव खरीदा जावे के? और तू, अरे जेब से सोचना बंद कर दे, दिल से सोच, दिल से समझा। तन्ने भाई, तन्ने की प्रॉब्लम्स है, तेरी प्रॉब्लम है कि तेरी बहनें तुझे बहुत प्यार करती हैं, यह समस्या है। अरे बावले उनके बारे में सोच जिनकी बहनें ही नहीं है, उनको तो प्यार ही नहीं मिलता। शर्म कर बावड़ा कहीं का। करण पाल सिंह। मम्मी मम्मी मेरी मूंछ नहीं है, मेरी मूंछ नहीं है।
अरे बावड़े मैं होता ना छोरी को घर से ठा के ले आता। अरे मूछ कलेजे में होती है, सीने में होती है मूछ। सर ये अरे तू बोलना नहीं बीच में अज्ञानी कहीं। तू ज्यादा बोलना भी बंद कर और सोचना भी बंद कर। अरे तन्ने के आस्था चैनल में राज करना है बावड़े, चुप रहना वरना मार डालूंगा। चुप सर, वो फिलॉसफी के। अरे कुछ फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी लाइफ की एक ही है, जिनके साथ गलत किया है उन छोरियों को जाके सॉरी बोलो। चलो जाओ सॉरी बोलो उनको। अरे जाओ चलो यहां से, बंद जाओ। अरे बंद कर दो नहीं तो चलो। सर जाए हम? अरे हाँ जाओ जाओ और जाके उन्हें कहो सॉरी। सो पक्का? अरे आप बोलो ना ससुरो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी कितने ग्रेट हो आप। अरे ना भाई, ग्रेट तो लव होता है और लव तो हमने भी किया था। Once upon a time in हरियाणा। अच्छा जी, किससे चाचा? अरे थी कोई हिसार में, वही तो बाद में तेरी चाची बन गई। ठीक से क्या हाल है भाई जटायु? तू क्या था पुलिस में भर्ती होगा, जाता क्यों नहीं है? चाचा ये सब तो ठीक है, पर इस एफआईआर का क्या करूं? भाई तू इसकी बत्ती बढ़ा के ले ले चाचा। अरे दिल्ली पुलिस का कभी कभी तो दिल चल ले, और जब दिल्ली पुलिस का दिल चल ले तो एफआईआर कौन नहीं चल ले। तो फाड़ दू फिर इसने? अरे फाड़ दे सुसरी एफआईआर। पर सर जी एक बात तो कहनी भूल ही गया मैं। क्या है? अरे आज तक मैंने आपके जैसा दिल्ली पुलिस में कोई ठुल्ला नहीं देखा भाई गॉड। अब बात जा तू। हेलो मैडम, मैडम माई सेल्फ अभिषेक सिंह गोयल फ्रॉम दीवाना सिर्फ तेरे नाम का कंपनी। आपसे दो मिनट बात करनी मैडम। सेल्समैन नॉट अलाउड। मैडम हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉरी लॉन्च किया मैडम, बेस्ट क्वालिटी है मैडम। और यही नहीं मैडम, अगर आप अभी ये सॉरी ऑर्डर करते हैं तो आपको मेरे जैसा गुड बेटर बेस्ट फैमिली का लड़का एकदम फ्री मिलेगा विद लाइफ टाइम गारंटी मैडम। पास तो पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास भी नहीं है, ऐसा बराबर। मुझे पता है मनिका, मैं बहुत ही घटिया, बहुत ही कमीना हूँ मैं। तुम प्लीज मुझे, तुम प्लीज एक बार हाँ कर दो, हम मिलजुल के सब कुछ कर लेंगे। I really love you. Please marry me. मुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी सिखनी से कितना प्यार करता हूं। गर्दन कटवा सकता हूं सर, केश नहीं। जो बीत गई सो बात गई, पुरानी दुश्मनी की डिटेलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे पापा जी। आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और ये कि आज हम जा रहे हैं। पापा जी आज आप रुक सकते हो,
तो रुक लो। ओए रुको, ओए आगे वाले गेट से मत भाग, मेरी भी इज्जत है। पीछे वाले गेट से भाग ताकि मैं तुझ पर केस कर सकूं, ये मेरी गारंटी है कि इस बार केस मैं हारूंगा। मुझे यकीन हो गया है कि तू खालिस सरदार है। ये 70 हो गए भाई। ये रखो। महिमा, 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 गलत। तुम मेरे लिए सही हो पर मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत हूं। हेलो अटल, क्या बात है बेटा, आज तुमने नमस्ते भी नहीं की। आजकल फोन ही नहीं करता तू बेटा। बेटा दरअसल क्या है, मैं तो एक बहुत मिडिल क्लास आदमी हूं। मैं तो बस यही चाहता था कि अगर तो अपनी जिंदगी में वो सारी परेशानियां चल छोड़ बेटा, बेटा तू जिससे चाहे उससे शादी कर ले, बस खुश रहे। बेटा बेटा धीरे चला, मुझे बड़ा डर लग रहा इतना तेज चला रहा था। मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, अच्छी खासी 2250 रुपए की बाइसाइकिल मिल रही थी, हॉर्न और सीट कवर के साथ ले लेनी चाहिए थी, कम से कम टाइम पे तो पहुंचते। चुप कर यार। वैसे ना तेरी ये प्रॉब्लम पता क्या है कि चाहे तुम्हारी बुलेट जीप या फिर तुम्हारी लाइफ, ये ना धक्का पड़ के स्टार्ट होती है, एक किक की तो जरूरत पड़ती है तुम्हें। यार प्लीज टाटा टाटा बंद कर दे यार। चुप कर यार, देख पापा बोल रहे हैं। एक तो मेरे ये चारों यार, पता नहीं वो भी दिन थे जब मेरी बुलेट रुकती थी ना, 2 मिनट लगते थे इनको धक्का मारने में, सारे पड़े रहते थे। जब से इनकी आशिकी सेट हुई है, लाइफ सेट हुई है, मेरी तो कसम से ना लाइफ बेस्वाद हो गई है। अभिषेक कुछ ज्यादा ही दिल से सोचने लगा है, जैसे आशिकी में गोल्ड मेडल आएगा उस्ताद। करण ने लास्ट बॉल पे ऐसा छक्का मारा कि उसकी तो सेंचुरी पूरी हो गई। दाढ़ी का बाल आए या ना आए, पर औलाद आने वाली है अगले की। और अपना अल्फेंसो, उसकी किस्मत में कन्या पक्ष ने अभी भी दबाव डाला हुआ है, पहले बहने अब रिक्का उसकी पत्नी दबा कर रखती है। अटल बिहारी की बकबक ने हमें तो बख्श दिया, पर उनके बोल वचनों ने किस्मत ऐसी बदली कि ऊपर वाले ने उनसे इश्क और देश की सेवा का वचन ले लिया। स्लो मोशन में ऐसे लड़की आई कि लाइफ जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पता नहीं कैसे, बट बाबा अटल बिहारी बख्शी
एसी भी अटल बिहारी बख्शी है नाउडेज। जरा बच के और मेरी मिष्टी और यूपी का हो गया अपना एमपी। हो गया तुम्हारा वालियर लेटर का इंट्रोडक्शन, अब इसका क्या करना है? डायरेक्टर अमित वत्स की शादी में भी तो जाना है। ओ तेरी तो थ्री व्हीलर।